गाइस वेलकम बैक हो गए सभी लोग का एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज हम लोग आ चुके तो अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड के अंदर, और इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई तो सो इसके लिए आई एम सॉरी। देन चलो हम लोग चलते हैं, कैसे चीज़ पर चलो हम लोग चलते हैं और एक चीज़ बनाते हैं। तुम लोग बताओ पिछली बार हम लोग ने क्या बनाया था, पीछे देख रहे हो पीछे ये बड़ा सा टावर, वो क्या है तुम वो बता ही रहे हो। एक्सपी फार्म, यस कैसे वो पिछली बार हम लोग ने इस वर्ल्ड में एक्सपी फार्म बनाया था। और भाई ये वर्ल्ड को कितना मिस करा मैंने, भाई बहुत दिन से मैं माइनक्राफ्ट खेल नहीं रहा था, थोड़ा सा काम था मेरे को। फिर उसके बाद हम लोग ने पहले एक घर बनाया था एक तो बड़ा सा, फिर उसके बाद एक पीछे एक कुत्ता बड़ा वो बनाया एक एक्सपी फार्म। फिर उसके बाद आज हम लोग बनाने जा रहे हैं इस घर के वो टॉप पे एक एंचेंटमेंट रूम। चलो हम लोग चलते हैं ऊपर, मैं तुम लोग को ऊपर का एरिया दूँ, किसी को गलती से उससे टूट गया रहेगा। हाँ तो यहाँ का लैडर से बता दूँ कि मैंने अपने हर जगह को इससे भर दिया है, तो मैंने उधर पे तोड़ा था। और ये देखो मेरा फार्म वीट फार्म, ये वीट फार्म क्या तो बोल सकता है क्या, ये वीट फार्म। चलो देखते भाई, ये मैंने लगा दिया स्लिप प्लेस कर दिए के, ये क्या है भाई यार इसको बनाना पड़ेगा। तो वीट को तोड़ते हैं यहाँ से और लेते हैं और इसकी ताजी ताजी ब्रेड बनाते हैं। सॉरी देख खासी है तो, और ये वो मैंने एक्सपी फार्म में उनको दिख रहा होगा यहाँ पर इतने सारे हैं ये, और यहाँ पर वो भी जमा होती है यहाँ से उठा लिया मैंने, वो भी जमा होती है जो उसकी हेल्थ कम होती है, तो उसको क्राफ्टिंग टेबल में दो बो को लगा देना जिनकी हेल्थ कम रहेगी, तो उससे पूरी पावरफुल बो नहीं बनेगी बट उन दोनों की हेल्थ मिक्स हो करके थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और ये देखो भाई मेरी वाटर बकेट किधर गई, वही सोच रहा हूँ इसे। चलो हाँ, और एक और एक चीज़ मैंने यहाँ पर जितनी ज़रूरत की सामान तो उतनी रखा है, अपना आर्मर भी मैंने डाल दिया। चलो हाँ ये आयरन रहा, आयरन चार आयरन चले, बस एक आयरन और मिल गया, सात आयरन बस बस क्या हो तो बहुत है। चलो हम लोग चलते हैं एक भी तो बनाना है, मेरे सारे वुड भी भाई पता नहीं कहाँ चले गए, ये वर्ल्ड भी एक वुड आए बस। चलो इसको तोड़ लेता हूँ, ओके फिर वुड की क्राफ्टिंग टेबल भी बना लें मुझे। स्टोन लिखा हुआ है भाई ने, एक क्राफ्टिंग टेबल, देन क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल था उससे मैंने वो तोड़ दिया था। वाह हम लोग आ चुके हैं, मैंने वाटर बकेट भी बना लिया है और भाई मैं तब से मार रहा था। और बताओ क्या मेरी शॉट दो तीन शॉट टूट भी चुकी हैं जब से एक्सपी कलेक्ट करने पर, और ये वाली शॉट भी टूटने वाली है शायद, टूटने वाली नहीं है, हेल्थ बहुत है बट अभी ये एक्सपी फॉर्म भाई बहुत मस्त काम करता है। देखो कैसे कैसे धड़ा धड़ा आ जा रहे हैं नीचे के, और मुझे ना इसमें एक चीज़ पता चली इसमें से जल्दी जल्दी और कैसे आए मतलब जमा कैसे हुआ करके यहाँ पर हम लोग ना, मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया था उसके लिए, हाँ ये प्लेटफॉर्म बनाया था, यहाँ से हम लोग लैडर लगा करके ऊपर जाएंगे, ऊपर जा करके उधर पे ये एफ के खड़े रहेंगे जितना देर रहना है उतना देर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जमा। फिर 40 एक्सपी देख लो ऐसी हो गई है, मैं अपने डायमंड के आर्मर को फिर से क्या मतलब इंचाइंट करने वाला हूँ, तो रेडी फॉर दिस। एंड मुझे शुगर केन भी चाहिए होगा उसके लिए, तो हाँ मैं बोल रहा था थोड़ा सा काम आया था, तो मैं बोल रहा था कि ओह शिट थोड़ा सा हैंग बहुत ज़्यादा खा रहा है, थोड़ा सा करके बहुत देर हो गया।
तो मैं बोल रहा था कि ये हम लोग का जो शुगर केन होता है वो शायद से मुझे लगता है ना कि वो सैंड बैन होते, मेरे को उसका नाम नहीं लेना होता, मैं बोलता उसको सैंड बैन। तो सैंड बैन होता है, और एक दिक्कत बहुत बड़ी है इसमें कि सैंड बायोम को हम लोग को दोबारा से लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने दिन से आया नहीं, पता नहीं कैसे, तो मेरे चलते फिर दिक्कत आ गई और ये वापस से फॉरेस्ट आ चुका है। टेंशन वाली बात नहीं है कोई, क्योंकि मैं थोड़े बहुत ब्लॉक माइंड करे थे यहाँ पर, बट ये वापस से फॉरेस्ट आ चुका है, तो इसको भी अब वापस से वो वाला बायोम लाने का, अब तो उसको भी से नाम है, वो वाले बायोम को लाने का जिम्मेदारी मेरा ही बनता है। तो जब तक मैं उस बायोम को नहीं ले आता, तब तक मिलता हूँ बाद में, तब तक एक ले लेता हूँ, बेकार बेकार चीज़ है। ये क्या है, सनफ्लावर? पता चला। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग को पूरा का पूरा पूरा पूरा, मतलब हाँ, मतलब सैंड बैग लाने के बाद वैसे। बोकियारो ले सकती है, देन यहाँ पर मेरे को बोकियारो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। हाँ, तुम लोगों को दिखा दूँ एक बस। यस, यहाँ पर है ना माल, तो मैं तुम्हें को मिलता हूँ भाई, कितनी बार बोलूँगा। हाँ, तो वही जो भी मैंने बोला था वो करके मिलता हूँ तुम लोग को। तो वैसे भी मुझे एक रेयर चेस्ट मिला, देखो तुम लोग ये सब मिला रेयर चेस्ट में भाई, सेकंड डायमंड नॉर्मल तो है। चलो इसको इन्वेंटरी में नहीं, उधर ही वहीं पर रखते हैं जहाँ पर मैं रखता हूँ। यहाँ क्या करके मारना पड़ा है, चलो इसको रखते हैं वहाँ पर। एक डायमंड भी रख देते हैं, और भी रख देते हैं, और फिर वापस से मैं काम करने लग जुट जाऊँ। देखो तुम लोग के लिए मैंने क्या बनाया है, एकदम मस्त घासू सरप्राइज। ये सू नहीं लिखा है, सब लिखा है, पर उधर पे भी आया नहीं और बाकी का नहीं आया, और मेरे पास रेस्टोरेंट भी नहीं था, तो आधा समझ करके कर दो यार जो लिखा ही है। इतना मेहनत लगाया मैंने, काम करता हूँ। रुको गाइस, देखो अभी ये और लाइट मार रहा है, मतलब तुमने सब्सक्राइब कर लिया उसको मत देखो, उसको मत देखो, तो कुछ नहीं है। हाँ चलो, तुम लोगों ने सब्सक्राइब मार दिया इसको, मतलब तो ये मेरे सब्सक्राइब की निशानी है, जब भी सब्सक्राइब करने बोलूँ तो ये दिखा दूँगा, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी, मत काम करने के अलावा सब कुछ कर लो। चलो मेहनत कर गाइस, सुपर चेस्ट। वाह, अभी 2 मिनट पहले मैंने अभी रिकॉर्डिंग बंद करी, फिर उसके बाद सुपर चेस्ट आया। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। चलो रिकॉर्डिंग 2 मिनट पहले मैंने बंद करी, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 मिनट का 2 सेकंड, और मैंने अपनी रही थी, बार बार बना रहा था, इसलिए मैंने क्या किया था वो देख लो, मेरी इन्वेंट्री में देख सकते हो। ओके ठीक है, चलो अभी रिकॉर्डिंग बनते, रुको भाई पहले शो कराता हूँ, नहीं दिन रात काम कर। सोच रही हूँ करूँ, लेकिन नहीं, मैं बस थोड़ा सा आराम कर रहा था। चलो चलते हैं, डायमंड रे डायमंड रे डायमंड डायमंड रे। ये क्या मिला है, ये गोल्डन एप्पल मिल गया है। ओके इसको यहाँ पर रख देते हैं, चलो भाई। सभी अभी मेरे को एक रेयर चेस्ट में से देख रहे हो क्या मिला है, और भाई मेरे को ये क्या बोलते चेस्ट में से ही मिला है, तो बहुत सारे चेस्ट में से मेरे को इतने सारे बुक्स मिल गए। और ये देखो पेपर, देखो भाई एक बार तुम लोग भाई, मतलब हम लोग का एन्चांटमेंट रूम बनने वाला है जस्ट ब्रो,
चलो मेरे चेस्ट में लेटर ना चार्जिंग हो रहा है ना, चार्जिंग होते होते वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज था मेरा भी, अभी थोड़ा सा अनचार्ज हुआ, चार्जिंग लगा के कर रहा हूँ। तो भाई कितने देर हो, देखते देखते कितना बन जाएगा, कुछ बन जाएगा ना, कुछ चाहिए जरूरत है। फिर मेरे यहाँ पर वुड रहेगा, फिर मेरे पास बहुत सारे वुड थे यार, पता नहीं काट ले गए, बट शायद बनने वाला अपना एक इंचाइन पेंट रूम शायद, थोड़ा सा ढूंढ कर गया। और बाहर कहाँ से आए थे, बाहर कहाँ से आए? हाँ चलो भाई ढूंढ करके भाई मुझे बनाना पड़ेगा, वो ढूंढ के लाता हूँ मैं थोड़ी। तो गाइस कैसे ना कैसे करके तो 9 लॉग मिल चुके हैं, तो वहाँ के चेस्ट में भी था, तो मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रही है, हो रही है। हाँ चलो जल्दी बन जाएगा ना पक्का, मैं यही सोच रहा हूँ। ओके 3 बन रहा है ये, शिट 3 ही बना, काम करके देखते हैं, ये अगर होता है तो ठीक है यार, प्लीज़ प्लीज़ ये हो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो भी नहीं तो करेगा, कैसे भी करेगा बट करेगा। तो बीच कौन सा रहेगा यार, एक दो गुड नहीं गया पक्का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 3 3 और चाहिए बस, एक बन जाएगा और सात फिर थे, एक 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 और चाहिए मेरे को, बस और 13 हो जाएगा बस, बस को लेदर नहीं वो चाहिए ना, क्या बोलते बुक्स, बुक्स के लिए भाई यार को नहीं यार, यार करो नहीं करो इतना चढ़ चढ़ रहा हूँ मैं यार, अभी 2 और चाहिए मेरे को बस, 2 बुक्स है सामने भी मेरा हो जाएगा। 26 की इंचमेंट है शार्पनेस भी, वाओ 26 की इंचमेंट के लिए, 26 की इंचमेंट दे रहा है ये, लैपिस 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 जमा नहीं किया क्या मैंने, लैपिस उसमें नहीं है लैपिस, लैपिस का भी नहीं है यार, लैपिस का मतलब उसमें माइनिंग करके ही लाना पड़ेगा, माइनिंग करते फिर गाइस लैपिस ढूंढते ढूंढते मुझे 12 ये मिल चुके हैं, तो अभी सोने के लिए आया था मैं, तो चलो चलो जल्दी जल्दी बनाते बुक्स, कितने कितने मिलते बुक, 4 बुक बन रहे, एक और बन जाएगा इससे शायद, एक और बन गया बुक चल, अब इससे तो 30 की इंचांटमेंट मिल जाती। और बता दूँ मैं तुम लोगों को कि मेरी एक्स वाइड में गलती से गिर गई, गलती से मेरी कोई गलती थी भी नहीं, पर गलती से गिर गई बस यार, यार यहाँ पर लैडर लगानी पड़ेगी, एंट्री में चेक कर रहा हूँ भाई मैं, क्या चेक कर रहा हूँ, ओके अभी क्या करना था देखना था कितनी, ओके 28 की इंचमेंट शार्पनेस 4 की साथ भाई, तो मुझे अभी बस एक बुक और मिल जाए ना, बस एक इसको पूरा 30 का इंचमेंट देने के लिए भाई अभी 40 मिनट्स हो चुके, 14 मिनट्स भाई, इस वीडियो बनाते बनाते कुछ बकवास भी किए मैंने इसमें, बहुत सीरियस हो रहा था, तुम लोग को दो कहना तुम लोग, नहीं भाई इसको तो नहीं कर रहा मैं, इतनी डायमंड शर्ट लाता हूँ कई, वो वाली लाता हूँ जो मुझे फ्री में मिल गई, सारी सभी मेरे को फ्री में मिला है, ये वाली लेकर चलता हूँ भाई यार, मैं भी शिट पूरा बंदी कर दिया भाई मैंने तो, चलो
अभी इस डायमंड शॉर्ट को देखते कितने की इंचांटमेंट दे रहा है ये। व्हाट व्हाट व्हाट, ये क्या है? शार्पनेस 3 अनब्रेकिंग 3 फायर एस्पेक्ट 2 नॉकबैक 2। भाई ये शॉट बहुत ही मस्त, तो इंचांटमेंट क्यों मिल रहा है इसमें? ओ दो, चलो भाई पूरे आर्मर को इंचाइंट करता हूँ यार मैं। ये क्या है वैसे? हाय साहब, आर्मर को करता हूँ थोड़ा सा, आर्मर है सबको। वैसे तो ये वाली स्वॉर्ड डर के अभी नहीं, एक मिनट, मेरे इन्वेंटरी में गोल्डन एप्पल है। यस, एंडर ड्रैगन को मारते समय गोल्डन एप्पल भी काम आने वाले हैं मेरे। वैसे मैं ऊपर से कहाँ से जा रहा हूँ, मैं बाहर से, अंदर से भाई, अंदर से रास्ता बना रखा है ना मैंने, लैडर लगा रखी है भाई मेरे ब्लॉक से, मेरी लैडर है। चलो देखते हैं कितनी क्या इंफॉर्मेंट दे रही है। प्रोजेक्टिकल प्रोटेक्शन नो, ओके ये मुझे चाहिए। ओके प्रोटेक्शन 4, फायर प्रोटेक्शन 4 नहीं चाहिए, फायर प्रोटेक्शन 4 नहीं चाहिए, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 भी नहीं। क्या बोल दिया मैंने? अबे यार इसमें नहीं करना चाहिए था। प्रोडक्टिकल प्रोटेक्शन 4, डेप्थ स्ट्राइडर 3 इसमें, प्रोडक्टिकल प्रोटेक्शन 4, डेप्थ स्ट्राइडर 3 में सब चीज़ 4। ठीक है, अभी मेरी 33 की लेवल है, तो भाई मुझे लेवल्स भी कलेक्ट करने पड़ेंगे भाई। मैंने भाई मैं बता रहा हूँ ये करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये लगा है टाइम। इसमें प्रोडक्टिकल प्रोटेक्शन 4 में 5% 4 नहीं चाहिए, अभी तो जितना लग रहा है भाई उतना लगा रहा हूँ भाई मैं जी, बाद में अनइंचाइंट करूँगा। प्रोटेक्शन बस एक चीज़ में मेरे को प्रोटेक्शन 4 मिला है, तो भाई साहब मेरे को बहुत टाइम लग गया इसको करने में। क्या है? ओके इतना आर्मर हुआ है, अगली वीडियो में पूरा मैं ग्राइंड स्टोन लगा करके ग्राइंड कर करके करूँगा। ओ भाई ये लास्ट इंटेंटमेंट होने वाली थी, ये देख रहे स्वॉर्ड के क्या स्वॉर्ड। गाइस सर आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग ने पूरा इंशाइनमेंट बेस बना लिया है, बस एक बुक शेल्फ अगली वीडियो में बना दूंगा क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, तो ये आयरन पिकैक्स नहीं करने के मुझे इंशाइन वैसे, और भाई पूरा आर्मर भी इंशाइंट हो चुका है, और अगली वीडियो में मैं अपने आर्मर को भी अच्छे अच्छे इंशाइनमेंट देने वाला हूँ। सो बाय बाय।